आपको सिखाता हूँ एक और कैम्प का इक्वेशन बनाने के लिए मात्र तीन स्टेप में स्टार्ट करता है। पहला स्टेप ये इक्वेशन देखिए, इसको मैंने डिवाइड किया LHS एंड RHS में डिवाइड किया, देन सोडियम इज वन, ऑक्सीजन इज वन, देन हाइड्रोजन इज वन, देन क्लोरीन इज टू। यही काम आपको सॉल्व भी करना है। सोडियम इज वन एंड वन, क्लोरीन इज टू, देन ऑक्सीजन वन एंड वन, टोटल टू, देन हाइड्रोजन टू, देन क्लोरीन की वैल्यू देखिए वन एंड वन प्लस करेंगे टोटल हो गया टू हो गया। इतना काम आपको करना होता है, पहले स्टेप में करना होता है आपको काम। अब आते हैं स्टेप नंबर टू, आते हैं यहाँ पर मैं चेक करूँगा कि केमिकल इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं बैलेंस। आइए पता लगाते हैं। सोडियम वन एंड टू डिफरेंस, ऑक्सीजन वन एंड टू डिफरेंस, हाइड्रोजन वन एंड टू डिफरेंस, क्लोरीन यहाँ पर टू है और यहाँ पर भी टू है, तो ये तो सेम है। बाकी आप देख सकते हैं साइड नंबर मैच नहीं कर रहे हैं, मीन्स ये हुआ केमिकल इक्वेशन बैलेंस ही नहीं। अब आते हैं स्टेप नंबर थ्री, आते हैं यहाँ पर मैं एक छोटी छोटी ट्रिक यूज करूँगा जिससे क्या होगा आप कुछ ही सेकंड में बैलेंस करना सीख जाएंगे। आइए बैलेंस करते हैं। अब देखिए यहाँ पर सोडियम टू है, क्या करना पड़ा, यहाँ पर टू करके देखते हैं बैलेंस हो जाएगी। टू का मल्टीप्लाई हुआ सोडियम में, कितना हो गया ये टू हो गया, टू टू क्या हो गया इक्वल हो गया। टू का मल्टीप्लाई ऑक्सीजन में करेंगे, ये भी क्या हो गया टू और टू इक्वल हो गया। टू का मल्टीप्लाई हाइड्रोजन में, ये भी कितना हो गया टू और टू इक्वल हो गया। क्लोरीन पहले से बैलेंस था टू एंड टू इक्वल हो गया, तो आप देख सकते हैं साइड नंबर क्या कर रहे हैं मैच कर रहे हैं, मीन्स वह केमिकल इक्वेशन पूरी तरह से बैलेंस हो गया। मैंने सिखाया बहुत ही आसान तरीका, आप जिससे सीख सके बहुत अच्छे तरीके से। अगर आप भी चैनल में पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन प्रेस कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कोई कमेंट हो आप भेजिए, मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं मिलता है एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।